नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको दिखाऊंगा खुद। कई लोगों ने कहा कि भैया गाड़ी चला लेते हैं आप, अब देखे हैं गाड़ी पे बेखूबी मैं बैठा हूँ और गाड़ी को आज चला के मैं दिखाऊंगा। और गाड़ी के साथ साथ देख सकते हैं इधर चारा मशीन है। आज मैं चारा मशीन में मतलब चारा काटूंगा, कैसे क्या है आपको। पहले तो आप सभी देखने वालों से मैं चाहूँगा कि आज वीडियो बहुत अद्भुत बनने वाली है। और इस वीडियो के ये मेरा छोटा बेटा है, इसको आप देख सकते हैं, आयुष सिंह सत्या है। और ये चाबी मेरे हाथ में लगी हुई है और मैं इस गाड़ी की, यही मेरी गाड़ी है जिससे मैं चलता हूँ। अब बेखूबी भी समझ सकते हैं, अब मैं गाड़ी को चलाने जा रहा हूँ और आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ से मैं गाड़ी को ऐसे यूँ लगाता हूँ, आप देख सकते हैं, और इसको स्टार्ट करता हूँ ऐसे। और ऐसे गाड़ी को कैसे चलाता हूँ आप देखते रहिए। हट जाओ भाई, हट जाओ, गाड़ी चली। बाय बाय। घसियो ना मिले थे और कहाँ गाच ये उदी में मंगाओ आदमी गए थे घास भी कई प्रकार का है ना, सात रंग की घास होती है। चलो ठीक है, पीट ला तो बनावल जा। तो दोस्तों आपने देखा और आज मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे, मतलब आपने कहा इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, बस आप लोग का प्यार है। अब देखिए हम गांव में, इस समय गांव में क्या होता है कि चारा मशीन अपने आप में एक अहम है। चारा काटने से सेहत भी सही रहता है और हमें चाहिए कि सबको चारा काटना चाहिए। जिम जाने से अच्छा है कि हम चारा काटें। फिर आप देख सकते हैं इसे घुमा के लाओ कुछ, लगे रहिए।
चलने दो चलने दो खत्म हम आओ। तो दोस्तों आपने देखा आज बहुत अजीब रहा और कुछ भी नहीं है, मुश्किल अगर ठान लीजिए सच्चाई है। आप लोगों ने कहा कि आप लहना कैसे पालते हैं, चारा कैसे काटते हैं, इसलिए दिल में आया कि आज चारा काट के दिखा देना चाहिए। ऐसे ही तमाम है, बहुत लोग आए हमारा वीडियो बनाने के लिए कि आप चारा कैसे काटते हैं, गाड़ी कैसे चलाते हैं, लिखते कैसे हैं। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि दूसरे को वीडियो ना देने से अच्छा है कि मैं खुद वीडियो बना बना के डालूँगा। आज मेरा दो टिप्स रहा, गाड़ी चला कर मैंने दिखाया और लहना बाल कर यानी कि चारा काट कर। बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, इससे सेहत भी सही है, फुर्ती रहता है। गांव में आप बेखूबी समझ सकते हैं कि गांव में एक अलग चीज़ होता है, वातावरण शुद्ध है, तमाम मतलब इस तरह से नहीं है यहाँ पे कि कोरोना से है तो भगो त्राहिमाम। गांव में अभी ठीक है लेकिन शहर के लोग आ रहे हैं गांव में, तो गांव में भी परेशानियाँ हैं और परेशानियाँ के साथ साथ सबको दिक्कत है। कोरोना तो है, बचना है और सबको बचाना भी है। तो आज के लिए बस इतना ही, ऐसे ही बने रहिए मेरे वीडियो के साथ। मैं हूँ जितेंद्र दिव्यांग और आप देख रहे हैं मेरा जोश एक्सप्रेस। नमस्कार दोस्तों।